लोगों को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। फाउंडेशन आप लोगों को, कई लोगों को इसमें पता पहले से भी होगा, तो पहले एक होता था कि अनसिस्टमेटिक था, यानी किसी को भी हेल्प किया जाता था, उसमें कुछ ऐसे भी लोग कभी रहते थे जो कि हेल्प उनका नहीं भी करते तो भी कर सकते थे, जो करने लायक थे, अपने से खुद करने लायक थे, उनका भी वो हेल्प हुआ उसमें। तो अब तक श्रेया फाउंडेशन जो कर रहा था उसको कभी भी एक क्लेरिफाई ये नहीं किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है, जो आया सबको दिया गया। उससे क्या है कि एक होता है ना कि फाउंडेशन का एक बजट होता है, उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए हमने सिस्टमेटिक अब पहले स्टार्ट किया। अभी हमने 16 जून से इस चीज को लागू किया। सबसे पहले अपने 27,000 कस्टमर लीडर कर्मचारी, इनके लिए जो 27,000 से ऊपर हैं, इनके लिए हमने फर्स्ट फेज में अभी रखा हुआ है, 16 जून से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 4 प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें घर भी है जरूरत के हिसाब से, जो रेंट पे रह रहे हैं, जो घर नहीं बना पाते हैं उनके लिए प्लान है, जो अपने बच्चों का फीस अच्छे से नहीं दे पाते समय से, भाई हमारे यहाँ 20,000 25,000 30,000 की नौकरी कर रहा है, उसी में घर का किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, तो ऐसे फीस देने में भी उनको दिक्कत होती। इन सब चीजों को देखते हुए हमने 27,000 कस्टमर जो हमारे कर्मचारी हैं और जो लीडर हैं उनके लिए सबसे पहले हमने इस 4 प्रोग्राम को ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया कि ये अगर हमारा सक्सेस हुआ तो 2025 के नेक्स्ट जो सेशन आएगा उससे हम अन्य पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिस्टमेटिक एक हो जाएगा और जरूरत के हिसाब से ही हमने सामान, यानी मैक्सिमम चीजों में हमने सामान रखा है, ऐसे चीजों को रखा है कि जहां पैसे का दुरुपयोग ना हो। जैसे हमारे कोई लीडर या कस्टमर या कोई भी आदमी अपना घर बना रहा है, पहले हमने ये 27,000 को पकड़ा है, अगर कोई घर बना रहा है तो उसके लिए हमने एक प्लान प्रोग्राम रखा है BMIP, बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम, यानी इसमें अगर उनको घर बनाने में दिक्कत होती है, घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, झोपड़ी है, तो उनको घर बनाने के लिए श्रेय फाउंडेशन के श्रेय आवास योजना जो आसियाना के नाम से है, श्रेय आसियाना, इस प्रोजेक्ट के तहत उनको हेल्प किया जाएगा आर्थिक रूप से कि अपने घर को बना सके। यानी उसमें हम सिस्टमेटिक पैसा रखा है, जैसे कि कभी भी पैसा इधर उधर ना हो, 6 महीने में कुछ पार्ट उनको हम देंगे, फिर उसके बाद हम उनको 12वें महीने में देंगे, कुछ 15वें महीने में देंगे, यानी प्रोग्रेस देखते हुए, जैसे कि वो पैसे का सही जगह उपयोग हो, क्लियर है, सही जगह उपयोग हो, इसलिए हमने BMIP के प्लान में एक सिस्टम हमने रख करके कि अगर आपको हेल्प हम कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, 6 महीने या आपको हम जब आपने हमसे हेल्प मांगा तो आपके पास जमीन है तो अपना घर बनाइए, घर बनाने में आपको एक पार्ट देंगे, फिर आप बनाएंगे 6 महीने में, जितना बनाए रहेंगे उसका फोटोग्राफ सब कुछ देखेंगे कि आप उस पैसे का उपयोग वही किए हैं कि कहीं और किए हैं, तब फिर आपको दूसरा शिफ्ट देंगे, फिर तीसरा शिफ्ट देंगे, लास्ट चौथा शिफ्ट। भाई जब मकान बना रहे हैं तो फिर तो हर चीज क्लियर है, दुरुपयोग ना हो, यानी मकान के लिए आपने हमसे हेल्प लिया तो मकान के लिए ही हेल्प हो। ऐसे ही दूसरा प्रोग्राम जो है वो बच्चों के